स्कॉट है भाई, टीम गाड़ी अभी पीछे पीछे मतलब खतरे के निशान है, उसके अभी पीछे की गाड़ी में बीच में है। अरे हरिया से आगे साइड होते रहिए, साइड होते रहिए। श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हो वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही चंद्रमा सिंह समझ जाएगा, पूरे प्रदेश के हर जिलों से जो भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जौनपुर का भी इस तरह का कुछ है, जौनपुर के भी बहुत ऐसा है कि प्रदेश स्तर पर यह योजना बन रही है तो निश्चित तौर पर जौनपुर प्रदेश में है तो सबके लिए होगा, लेकिन उसके जो डिटेल्स हैं वह 24 तारीख को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे सारे उत्तर प्रदेश के लिए, और शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण अंग है। दीक्षांत समारोह की तिथि बदलने के लिए बात आपने कही है, मैंने उसका कारण भी बताया, और कारण ये है कि यहाँ बसंत पंचमी को मतलब आज 22 जनवरी को जिन विद्यार्थियों की परीक्षा पास हुए हैं मई जून में उनको जब तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आगे के पढ़ाई के लिए कई अन्य विश्वविद्यालयों में यह कंडीशन होती है कि केवल परीक्षा पास नहीं तो उसको डिग्री मिलनी चाहिए, तो डिग्री जल्दी मिले। और बसंत पंचमी के कारण जो त्यौहार है, आनंद से बड़ा त्यौहार मनाया जा सकता है विशेष दिवस करके, और उसको नाम भी दिया जा सकता है कि
विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस या जो भी हो, नाम कौन सा देना विश्वविद्यालय तय करे, लेकिन विद्यार्थियों के हित में जितनी उनको डिग्री जल्दी मिले उतना होता है, और इसलिए मैंने ये सुझाव दिया है। इस समय केस का एक बड़ा है, देश की कानून व्यवस्था पे संतुष्ट है आप? ऐसा है कि मैं संतुष्ट हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया कि जिसको 60-70% मार्क मिलते हैं तो वह मार्क तो एक दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जब तक वो 80-90-100 तक नहीं जाते हैं तो उसको सुधारने की आवश्यकता होती है। और इस भूमिका में मैं यह देख रहा हूँ कि प्रदेश की पुलिस यंत्रणा मुख्यमंत्री के हाथ में ही है, सुधारने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, और निश्चित तौर पर इसके जो फल है वो आने के लिए कुछ समय लगेगा, और इसलिए जो प्रयास हो रहे हैं वो अच्छे प्रयास हैं, और ऐसे प्रयासों के आधार पर निश्चित तौर पर अब तक जो हुआ है वो आगे और अच्छी तरह से सुधर जाए। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय पद्मावत फिल्म का एक आ रही है, उसको लेके देश में बड़ा विरोध है। पद्मावत मुद्दा आप बाकी लोगों को पूछो, पहले